नमस्कार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नैना। Asus ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Zenfone Max Pro M1 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में दमदार स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। इस हैंडसेट की शुरुआती कीमत 10,999 रुपए है। फोन को 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। क्या यह स्मार्टफोन भारत में बजट कैटेगरी में Xiaomi की मजबूत स्थिति को चुनौती दे पाएगा? आइए जानते हैं रिव्यू में। Asus के इस फोन के डिजाइन में कुछ भी नया नहीं है। फोन में मैट फिनिश बैक के साथ एक मेटलिक यूनिबॉडी डिजाइन दिया गया है। रियर पर एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। रियर पर बीच में एक फिंगरप्रिंट सेंसर है और Asus की ब्रांडिंग भी मौजूद है। डिस्प्ले में अडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज और स्क्रीन टोन एडजस्ट करने जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो Zenfone Max Pro M1 से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.1 ओरियो वर्जन के साथ आना फोन की सबसे अहम खासियतों में से एक है। हमें Zenfone Max Pro M1 का कैमरा इंटरफेस काफी पसंद आया। इमेज क्वालिटी की बात करें तो स्मार्टफोन से ली गई तस्वीरों ने हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। तस्वीरों में रंग और एक्सपोजर ठीक ठाक आते हैं। हालांकि इंडोर लाइटिंग में कैमरा ऐसी ही क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता। बोकेह इफेक्ट इस्तेमाल करने पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में फर्क दिखता है। फोन के फ्रंट कैमरे से ली गई तस्वीरों में व्यूइंग एंगल ठीक नहीं आते। जहां आजकल आ रहे स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत सेल्फी कैमरा होती है, वहीं Asus का यह फोन इस मामले में पीछे रह जाता है। Zenfone Max Pro M1 की सबसे अहम खासियत इसकी बैटरी और Android 8.1 Oreo ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़े बेहतर डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस के साथ यह हैंडसेट एक परफेक्ट पैकेज बन सकता था और बजट सेगमेंट में Xiaomi Redmi Note सीरीज के एकाधिकार को तोड़ सकता था। Note 5 Pro की तरह ही हमें Zenfone Max Pro में रोजमर्रा के काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फोन में फ्रेम फ्रीज होने या हीटिंग जैसी भी कोई समस्या नहीं होती है। इस्तेमाल करते समय फोन कभी भी हैंग नहीं हुआ। कॉल क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी रहती है। Zenfone Max Pro M1 में दाईं तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन्स के साथ पावर बटन है। बाईं तरफ ट्रिपल स्लॉट ट्रे है। नीचे की तरफ ऑडियो जैक, स्पीकर ग्रिल और माइक्रो USB पोर्ट दिए गए हैं। तो यह था Asus Zenfone Max Pro M1 का रिव्यू। टेक्नोलॉजी की दुनिया की और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT Tech के साथ। नमस्कार।